नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम हीलिंग साइंस, स्पेशली रेकी हीलिंग साइंस की एक बहुत ही ज़रूरी विधा जिसका नाम है साइकिक सर्जरी, उस पर काम करने वाले हैं। साइकिक सर्जरी को आज हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। मैं आज हमारे जो एक हीलर हैं इनके साथ साइकिक सर्जरी परफॉर्म करके आप लोगों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि साइकिक सर्जरी की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों को आज मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो संयम के साथ, धैर्य के साथ बैठिएगा, हालांकि धैर्य तो मैं खुद ही हूँ। साइकिक सर्जरी के लिए आपका कम से कम मास्टर लेवल का पूरा किया होना आवश्यक है। साइकिक सर्जरी के लिए आपका मास्टर लेवल या मास्टर लेवल से ऊपर की पूरी पढ़ाई, पूरा हीलिंग प्रोसेस शक्ति पास से लेकर के 45 दिनों तक का जो अभ्यास होता है, ये पूरा पूरा होना आवश्यक है। और इसके साथ दो सिंबल जो कि साइकिक सर्जरी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, उन दो सिंबल्स का होना आवश्यक है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि साइकिक सर्जरी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके सामने आपका पेशेंट है, या तो ऑफलाइन आपके सामने लेटा है, या तो आप इमेजिनरी उन्हें अपने सामने रखें, डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं, तो होम साजेशन के थ्रू अपने आप को उनसे जोड़ रखा है। अब आप रेकी कॉलिंग करते हैं, जैसा कि आपके मास्टर्स ने या हमने आपको सिखाया हुआ है कि रेकी कॉलिंग कैसे करते हैं। रेकी कॉलिंग के लिए वही पूरा तरीका वही होगा, यूनिवर्स को प्रार्थना करके आप बुलाएंगे, जो उसका पूरा डिटेल तरीका है जो आप अच्छे से जानते हैं। मेरे वीडियोस को देखने वाले सारे हीलर्स जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है, उन सारे हीलर्स को अच्छे से पता है। कॉलिंग करने के बाद आप सारे सिंबल्स को कॉल करेंगे। साइकिक सर्जरी के लिए सारे सिंबल का आपके हाथों में उस टाइम पे होना आवश्यक है, क्योंकि साइकिक सर्जरी का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ को आप डिफिट करके वापस से स्टिच कर रहे हैं, मतलब कि चीज़ों को तहस नहस करके वापस उसको सुधार करके फिर से उसे जोड़ रहे हैं। तो सारे सिंबल्स और इसके साथ दो सिंबल जिसका नाम, सभी सिंबल्स जो कि आपके मास्टर लेवल तक के थे, और अगर ग्रैंड मास्टर हैं तब तो सबसे बेस्ट है, ग्रैंड मास्टर होने के बाद ही साइकिक सर्जरी सही में हो पाती है। ऐसा नहीं है कि मास्टर लेवल के बाद नहीं हो पाती, मास्टर लेवल के बाद आप कर लेते, लेकिन ग्रैंड मास्टर के अभ्यास के बाद साइकिक सर्जरी में पकड़ आ जाता है हमारे पास। तो अब साइकिक सर्जरी के लिए दो सिंबल होता है, एक होता है ओथिला और दूसरा होता है ईसा। ओथिला और ईसा आपको देख के ही समझ में आ जाएगा इन दोनों सिंबल के डिज़ाइन को, कि एक का शेप कैंची जैसा है, दूसरे का शेप सुई जैसा है। ओथिला ये होता है सेपरेशन के लिए, किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करने के लिए, काटने के लिए, छेद करने के लिए, दो चीज़ों को दो भागों में बांटने के लिए। और ईसा इसलिए होता है, सुई जैसा है, इसे बर्फ, आइस, ठंडकता या किसी चीज़ में छेद करने के लिए, या किसी चीज़ को छेद करके स्टिच करने के लिए हम इसे मानते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो और मैंने हमारे साइकिक सर्जरी के पूरे कोर्स में समझाया हुआ है, आप देखिएगा, समझिएगा उसे। तो किसी भी चीज़ को सिलने के लिए उस जगह को ठंडा होना बहुत ज़रूरी, उस सुई का ठंडा होना बहुत ज़रूरी, तो वो आइस, बर्फ़ की एक सुई से हम उसे सिलते हैं, डिवाइन आइस की सुई से हम सिलते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको समझाऊँगा। अब आप समझिए कि मान लेते हैं इस बच्चे को उनके किडनी में एक स्टोन है, मान लेते हैं किडनी में एक स्टोन है। अब किडनी के स्टोन को निकालने के लिए आप लामा फेरा से भी वो चीज़ को क्लीन कर सकते हैं, रेकी हीलिंग के अपनी शक्ति से भी क्लीन कर सकते हैं। एक कुछ एक चीज़ होती है जिसको जल्दी हमें करना होता है, तो जैसे किडनी का स्टोन हमें तुरंत निकालना है, जितनी जल्दी हो सके निकालना है, उस कंडीशन में साइकिक सर्जरी का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो ओथिला सिंबल को आप बुलाए, सारे सिंबल को आप बुला चुके हैं, सारे सिंबल्स को बना चुके हैं ना, और अब आपने ओथिला सिंबल को बनाया। और उसे हाथ में कैंची की तरह पकड़ लिया और अपने दोनों उंगली में
या तो इन दोनों उंगली में उसे सजा लिया या तो इस तरह से सजा लिया, जैसे आप कैंची पकड़ते हैं बिल्कुल वैसा। आप ये कर लीजिए, आपको इजी होगा, पूरा ध्यान लगाइए और ये देखिए कि उसके दोनों कॉर्नर से एक बिंब निकल रही है, रोशनी निकल रही है, एक शक्ति की रोशनी निकल रही है, किरणें निकल रही है, और यही किरणें आपके पेशेंट को सीजर की तरह काट करके वहाँ तक पहुँचने में आपकी मदद करेगी। अब आप इस मरीज को यहाँ सामने रखें, लेकिन आप इस शरीर को नहीं देखेंगे, इसके एक्सटर्नल बॉडी को देखना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल जैसे कि ये मिट्टी का शरीर यहाँ पे है ही नहीं, ये मिट्टी का शरीर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक पारदर्शी एक्सटर्नल बॉडी है और आपका ये ओथिला तैयार है। ओथिला से आपने पेट के उस हिस्से को कट किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। किडनी के, अगर आप किडनी के स्टोन को निकाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किडनी कहाँ पे है। एकदम अज्ञानी की तरह बिल्कुल नहीं करना कि किडनी बोल दिया तो पेट में कहीं पर भी, छाती में कहीं पर भी नहीं, पता करो, गूगल में सर्च करो किडनी कहाँ पे, किसी से पूछो, जानो, समझो, है ना। एक आसन लगा के बैठो कंफर्टेबल, और अब ओथिला अपने हाथों में तैयार करके किडनी वाली जगह पे एक कटिंग बनाओ, जैसा काट सकते हो। किडनी तक पहुंचने के लिए आपको क्या कटिंग लगेगी आप बनाओ, ठीक है। इसके लिए शायद ओथिला से कटिंग करने का ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में वाइट बोर्ड में आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। चलो तो ओथिला सिंबल से कटिंग कैसे करना है पहले ये समझ लेते हैं। देखो ओथिला सिंबल क्या है, कैसे है, ये 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 एक तरह से सीजर की तरह बना हुआ, कैंची की तरह का शेप है ना। अगर हम इसको हटाते हैं तो ये कैंची है और ये होता है बिंब, मतलब ऊर्जा का बिंब है। और ईसा सिंबल कैसा है, ये है आपका ईसा, ठीक है। सुई की तरह है, कैंची की तरह है, उथिला उथेला और ईसा, उथिला भी बोलते हैं, उथेला भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी है, ये पेट का हिस्सा, ये कमर है, ठीक है। ये कमर का हिस्सा हो गया, ये आपका वक्ष स्थल हो गए, ये हाथ हो गया, है ना, ये नाभि हो गई, ठीक है, ये आपका पैर हो गया, जिस पेशेंट का भी आप ये कर रहे हैं तो हो गया। अब हम कहाँ पे काम कर रहे थे, सपोज ये किडनी पे काम कर रहे थे, यहाँ पे किडनी है, ठीक है, ये जेनेटिकल पार्ट है, ठीक है। अभी हम किडनी पे काम कर रहे थे तो किडनी, अब ये शरीर है, अब आपको कैसे देखना है उसको, अपने अंतर्मन से उनके एक्सटर्नल बॉडी को देखना है, उनके आध्यात्मिक शरीर को देखना है ना, जो कि पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी शरीर है, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे किडनी, तो आप कैसे काटोगे, है ना। देखो आपको मालूम है कि यहाँ पर किडनी है, ठीक है। अब आप कैसे काटोगे, आपने ओथेला बनाया और ओथेला को हाथ में बना करके, जब ऐसे ये बिंब, आपको वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है हाथ को, दूर से, ठीक है। देखो कई बार होता है बेटा, आपका मन बड़ा पवित्र है, ठीक है, आप एक हीलर हो, बड़ा पवित्र है, लेकिन कोई स्त्री या कोई लड़की का, आप जैसे कि ये तकरीबन शरीर लड़की का ही शरीर दिख रहा है आपको, है ना, किसी फीमेल का शरीर है, तो हो सकता है, क्योंकि बीमार शरीर में बीमार मन होता है, बीमार शरीर में बीमार मन होता है। आपने उन्हें टच किया, आप पुरुष हो, मेल हो, आपका मन पवित्र है, लेकिन हो सकता है उन्हें गलत लग जाए, है ना, कि स्त्री को बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को, उनकी परवरिश ऐसी होती है, उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई होती है कि, और समाज में ऐसी चीज़ें हैं कि वो कहीं ना कहीं, आप समझ रहे हो, समझाने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखो ये बिंब है ना, ये बिंब है ना, ये बिंब है। तो आपने क्या करना है, दूर से कटिंग करना है, आपने दूर से ऐसे किया तो वो जो रेखा है यहाँ तक आपकी पहुँची, क्या बोलते हैं, जो बिंब है, उसके बाद आपको यहाँ पर से कैसे काटना होगा। देखो ये आपका किडनी है, तो आपने एक चीरा ऐसे लगाया, ठीक है, और एक चीरा ऐसे लगा लिया, ठीक है। अब इसको आपने ऐसे पलटा, किससे पलटा, उथेला से आपने काटा और ईसा से आपने दोनों उंगली से या
ऐसे उंगली में ईसा बना करके इसको ऐसे पलटा, तो अब ये क्या है, इस तरह से पलट के इस तरफ आ जाएगा, है ना, ये जो चमड़ी है वो इस तरफ आ जाएगी। अच्छा, ये वाला हिस्सा अब इंटरनल बॉडी पार्ट, अब यहाँ पर आपको किडनी, वो जो अंदर से किडनी है वो दिखना शुरू हो गया। अब इसकी इसका इलाज जो भी आप करोगे करोगे, क्लियर है, पूरा ट्रीटमेंट हुआ, आपने इलाज कंप्लीट किया, कैसे करोगे वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद ये जो है उसको वापस इसमें रखा और अपने ईसा सिंबल से इसको टक किया। ये आपके अंतर्मन में, आपके एस्ट्रल बॉडी में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या हुआ है, और अगली बार जब भी आप हील करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपने टाके लगा रखे, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, कोई भी जगह कहीं पर भी, अगर जेनेटिकल पार्ट में अगर कोई काम कर रहे हो आप, सपोज कोई फीमेल है या मेल है, मेल में भी ये चीज़ होती है, अगर ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप काम कर रहे हो तो कौन सा ब्रेस्ट में कैंसर है, निप्पल में कैंसर है कि ब्रेस्ट के हिस्से में कैंसर है, ब्रेस्ट छोटा बड़ा है तो कौन से बड़े में सूजन है, पानी भरा हुआ, ये आप इस तरह से कटिंग हमेशा इस तरह से आप करना, है ना। सपोज किसी का ये आँखों है तो आँखों का भी आप बिल्कुल ऐसे तिकोन कटिंग करना, तिकोन मैक्सिमम टाइम तिकोन कटिंग होता है, कभी कभी आप सीधे कटिंग करके भी खोल सकते हैं, लेकिन तिकोन कटिंग करने से प्रॉपर आप स्किन को बाहर निकालते, तो ये साइकिक सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये होता है उथेला और ईसा, इसका शक्तिपात जरूर लेना, और 45 दिनों के 45 डेज के इसके अभ्यास के बाद ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि कैसे करना है। तो देखा आपने, बस ऐसे ही होना है ना। और अब ये कट गया है, अब आप अपने दोनों हाथों में ईसा सिंबल को बुला लो, किसे बुला लो, दो सुइयों जैसा ईसा सिंबल, है ना, दोनों हाथों में ईसा 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 ईसा। कभी भी किसी सिंबल को बुलाते तो 3 बार इंचेंट करते हैं, आपको पता है, अगर उथेला को भी बुला रहे हो तो 3 बार इंचेंट करोगे भाई, है ना। ईसा सिंबल आपके बिल्कुल इस मिडिल फिंगर से होते हुए बिंब छोड़ेगी, ईसा सिंबल यहाँ से बिंब छोड़ेगी, और अब आप जहाँ से काटा है उसको अलग किया आपने, और अब जो भी वहाँ पर आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी थर्ड आई की पावर से, कि वहाँ पर स्टोन है, तो उस स्टोन को आपको उठाना है। अब ईसा सिंबल की मदद से आपकी यहाँ से एक बिंब निकल रही है, आप उसे मल्टीपल कर लीजिए, ईसा को ही अपनी सभी उंगलियों में मल्टीपल कर लीजिए, मतलब कि सुइयाँ इस तरह से लगी हुई हैं, बिंब यहाँ से निकल रहा है ना। अब आप स्टोन को आप निकालते हैं और आप इस स्टोन को ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, अंतरिक्ष में जा करके वो नष्ट हो गया। आपकी उंगलियों में अभी क्या लगा हुआ है, ईसा, सारे उंगलियों में ईसा है ना। और अब आप वहाँ की सफाई करते हो, सफाई करते हो, सफाई करते हो, जो भी स्टोन से रिलेटेड जो भी गंदगी नेगेटिविटी उसकी सफाई करते हो और उसे निकाल के ब्रह्मांड में फिर छोड़ देते हो। अब जो अगला काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी सांस, आपका ध्येय, आपके चित्त सब इसमें शामिल होंगे। मेरे मुंह के इस तरीके को देखना, मैं कैसे फूकूंगा और कैसे करूंगा, ठीक है। समझ में आया, मतलब कि वहां जो एक नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, आपने ध्यान में उस बात को पूरी तरह से रख के आपने पूरे सांस को छोड़ा और फिर खींचा उंगलियों में ईसा सिंबल की रोशनी से, इक्कीस बार करेंगे, ये करते करते आपका सांस भर जाएगा, लेकिन आपके पूरे ध्यान में ये रहना है कि आप क्या खींच रहे हैं। यहाँ से एक रोशनी छोड़ा, खींचा
और ब्रह्मांड में छोड़ा। और ये 21 बार की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आप इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं। जो भी यहाँ डिवाइन ब्लड फैला हुआ है उसको वापस से इकट्ठा कीजिए, क्योंकि कटा है तो डिवाइन ब्लड फैला ही होगा, तो उसे वापस इकट्ठा करके उस जगह पे समाइए। और अब एक उंगली से आपने ईसा सिंबल की सुई को बाहर निकालिए, ब्रह्मांड एक डिवाइन थ्रेड लेकर आइए, धागा लेकर आइए, रोशनी से बना हुआ डिवाइन धागा लेकर आइए। और अब जहाँ जहाँ आपने काटा हुआ है उसको सी दीजिए, स्टिच कर दीजिए। वह प्रॉपर मैनर में बांध दीजिए। और अब उथेला 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 बुलाया आपने, काटा उस धागे को और फिर वो ब्रह्मांड में विलीन हो गया। और अब आपके पास इस हाथ में क्या है, ईसा है, और इस हाथ में थैला है। दोनों का काम खत्म हो गया है, दोनों को एक साथ ब्रह्मांड में विलीन करके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्जरी पूरी हो गई, स्टिचिंग पूरी हो गई, नेगेटिविटी निकाल दिया, और अब सब होने के बाद ध्यान रखना, चौकुरे 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 उस जगह को पूरा क्लीन कर दो, चौकुरे से ब्रह्मांड में उछाल करके ब्रह्मांड में विलीन कर दो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सहेगी सहेगी सहेगी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। और अब लास्ट में सफेद हरा लाल, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। सुरक्षा चक्र के अंदर डाल करके आप इस मरीज को सुरक्षित कर लेंगे। बहुत केसेस में अगर आपके पास इस तरह की पवित्र व्यवस्था ना हो, जैसे कि भगवान बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा है, इस जगह पे मैं हमेशा हील करता हूँ, इस जगह को रोज क्लीन करता हूँ, तो अगर आप किसी नए जगह पे क्लीन कर रहे हैं तो सभी कोनों को शुद्ध कर लेंगे, आठों कोनों को शुद्ध कर लेंगे, छत को शुद्ध कर लेंगे, और एक पिरामिड बनाएंगे, अपने डिवाइन पिरामिड बनाएंगे, और पिरामिड के अंदर रह करके ही आप इनकी सर्जरी करेंगे। क्योंकि ये जगह हम रोज इसमें हीलिंग करते हैं, ये आसन कई सालों पुराना आसन है, सैकड़ों बार इसमें हीलिंग हुई है, सैकड़ों बार इसमें ध्यान किया, हज़ारों बार इसमें ध्यान किया गया है, इसलिए हमने वो सारी प्रक्रिया नहीं करी। लेकिन क्योंकि अगर आप नई जगह से शुरुआत करते हैं तो आपको ये सारी प्रक्रियाओं को दोहराना पड़ेगा। और अचानक स्वयं मैं भी अगर किसी और जगह पर किसी की हीलिंग कर रहा हूँ तो मुझे सारे कमरे की सफाई करनी होगी, छत की सफाई करनी होगी, पिरामिड बनाना होगा, उसके बाद ही साइकिक सर्जरी मैं परफॉर्म कर पाऊँगा। तो साइकिक सर्जरी को लेकर के सिर्फ इतना ही है। ये जो दो सिंबल हैं उथेला और ईसा, इसकी 45 दिनों का अभ्यास होता है। ये मास्टर लेवल के बाद, ये ग्रैंड मास्टर लेवल के बाद इसका शक्तिपात लिया जाता है। शक्तिपात लेने के बाद इसे सिद्ध किया जाता है अगले 45 दिनों में। 3-3 मिनट का रोज़ अभ्यास करके इन्हें सिद्ध किया जाता है। सिद्ध होने के बाद ही आप साइकिक सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ना भी हो तो भी करके देख लीजिए, होगा तो वैसे भी कुछ नहीं है ना। तो मैं जो बातें कहता हूँ उन्हें बड़े प्यार से कह देता हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के, बिना साधना के कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूँ कि कोई भी हीलिंग साइंस सीखने का नहीं, साधना का विषय है। बिल्कुल आसान जुबान में, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने साइकिक सर्जरी को समझाया है, लेकिन समझने वाली बात है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये और डिटेल है जो कि आपको अपने कोर्स में और धीरे धीरे समझ में आएगा आने वाले समय में। और थर्ड लेवल और ग्रैंड मास्टर के बीच में साइकिक सर्जरी का एक पूरा डिटेल एक कोर्स आपको मिलेगा। सो
अभी के लिए इतना ही। साइकिक सर्जरी में ये सब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ही इसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।